जल्दी उठो, उठो जल्दी। एक भारत दिन जो है नौटंकी करती है, कौन देगा? मेरा मम्मी बना के देगा आपको। हम खाते हैं, हम नहीं खाएंगे। चार सात तोड़ दो, तोरा का खाना नहीं बन रहे, समझ ली ना? कौन बना के देगा जल्दी बताओ। तू अगर मन सारे लगे दोनों गोतनी मिल के, समझ लो। तबियत खराब है तो की करबे। हेलो यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, कैसे आप सब? प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। तो आज देखिए, आज जैसे तो मेरी तबीयत खराब है, हकीकत बात है ये, और फिर भी आप लोग से सोचे एक वीडियो बना के दिखाएं। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आए मेरे पास और बोले कि इस तरह का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत तरह के अत्याचार होते हैं। ठीक है, वीडियो बनाइएगा तो उससे बहुत सारे आदमी को सीख भी मिलेंगे और अच्छा भी लगेगा आप सभी को भी। तो अभी चलिए, हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं आप सब देख के कॉमेंट कीजिएगा। अभी जो है हम तीनों रहेंगे उसमें, हम तीनों आदमी, हम दोनों दीदी और क्या रोल है और सब सारा चीज। हाँ। आप लोग देखिएगा, वीडियो को फुल वाचिंग कीजिएगा, थोड़ा सा देखिएगा तो आप लोग को बुरा लगेगा जरूर कि इस तरह का इनके घर में हकीकत में होता है। हम लोग के घर में इस तरह का हकीकत नहीं होता। हम दोनों में जब भी लड़ाई होता है तो हम सब में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होता, तीसरे का बात को लेकर के लड़ाई होता है, नहीं तो हम दोनों में कभी लड़ाई नहीं होगा। ठीक है, और इस वीडियो में जो बनाए हम लोग थोड़ा सा क्लिप आप सभी को दिखाने के लिए, जिस तरह भी दुनिया चल रही है इस तरह बनाए हैं, तो कैसे लगा? वो भी नहीं बनाते, लेकिन एक दो लेडीज आई ना, वही भाभी और आरती जी को बोल रहे थे ना, तो हम सुने तो हम बोले ठीक है बनाया जाए उसी तरह उसी टॉपिक को वीडियो, तो बनाए हैं और अभी देखिए किस तरह हम लोग बना रहे हैं। अभी तलिक दोस्तों खाना नहीं बने नहीं आरती, ओकरा हम जे छे बतावे छे खाना किया न बनेल के। हम चल गेलिए खेत, ठीक छे, खेत गेलिए। अभी टाइम कते भए रहल छे? 12:30 भए गेले थे, नहि होइ छे विश्वास तो यहाँ सबके हम देखाबे छी टाइम, ठीक छे। और किया न बनेल के खाना, अभी टाइम कते भए गेले, तो हमरा भूख जब ज्यादा लग गेले, पेट लग गेले, पेट हमर फूलल रहे रे पहले, लेकिन अभी हमर पूरा सटक गेले। और हम जाए छे, अगर जब नहीं बनेने हेते तो ओकरा हम बतेबे, यहाँ देखते रहू वीडियो में सब। ए ए इधर सुनो, उठो जल्दी, तुमको बताते हैं, बहुत सोई रहती हो, नौटंकी करती हो, उठो जल्दी, उठो उठो जल्दी। एक भारत दिन जो है नौटंकी करती है, मतलब कि छोटा छोटा बच्चा सबसे काम कराती है, अपना सोई रहती है। वो भी हमको आज पता चला है दोस्तों, उतना दिन से पता नहीं चल रहा था कि आखिर क्या बात। उठो जल्दी, उठो जल्दी, उठो, उठो, इधर इधर घूमो, इधर घूमो, इधर घूमो जल्दी, इधर घूमो जल्दी, हम खींच देंगे, इधर घूमो, इधर घूर देंगे मुँह में। खाना अभी तेरे क्यों नहीं बनाई? हमको सब पता है, बट खाना बना के कौन देगा? मेरा मम्मी बना के देगा आपको। हम खाते हैं, दिमाग खराब करके रख दिया है। कौन बना के देगा खाना पहले बता, कौन बना के देगा जल्दी बताओ। रोने लगेंगे, रोने से क्या फायदा होगा? हालत खराब, आप नहीं देख रहे हैं, जल्दी उठो। खाना क्यों नहीं बनाई? अभी तुम्हारा गोतनी को बताते हैं। तू खाना क्या बना दिला का? मन खराब है, किया मन खराब जगह दिल्ली दिल्ली मन खराब है चाहे दवा दवा तो दोनों ठीक रहते जान से कम दोनों गोतनी तहने छे दोनों गोतनी हां दोनों बात तो दोनों बहन छे तो दोनों सेम एक आवे ना देख तोर गोतनी तोरे साइड सर दे रहल छे सर ले रहल छे हां देखती है निकल समय मेरा तोरो मुंह होड़ देबे तू अगर मन सारे ले दोनों गोतनी मिल के समझ लो तबीयत खराब छे की करबे तबीयत किया तबीयत पहले जे ओकरा ठीक करा ओकरा दवा दिया ना तो हमरा पिए टका दलको हमरा सलाह भी तली खाना नहीं बने पे दिमाग खराब छे तो और वजह से बिगड़ल कह दे छियो हमारा किया दूर वाला थी दोनों गोतनी के बैठल बैठल जैसे न खा खा के चर्बी मोटा गेले समझ ल और तू कह नहीं सके छा हमें बात में रही तो की सोचे तू पूरा पसीना सलाद पर भैग दिया हमें।
चार सात तोड़ दबो तोरा के खाना नहीं बनले समझली ने खाने के लिए बोलो भी कैसे कर रहे कितना टाइम हो गया अभी टाइम हो गया तो हम कौन सी करेंगे आप नहीं देख रहे हैं टाइम इतना ज्यादा हो गया देखता है वो सोचता है कि चलो कुछ नहीं हुआ है नजर के सामने देखते रहते हैं बस अभी ढपलों से मारते हैं सही है तबियत खराब रहे सही रहते तब ना खेल फेंक दे लाठी हमारा खाना मिलना चाहिए आधा घंटा में डॉक्टर का फोन करो तो नमस्ते दोस्तों कैसे लगा हम लोग का वीडियो एक प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग बनाए थे और किस तरह बनाए कैसे लगा आप लोगों को और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये लोग जो है अभी जो दिखाए हैं एक सिर्फ छोटा सा एक्टिंग था और एक्टिंग हम किस लिए किए हैं क्योंकि अधिकतर जो है दूसरे घरों में इस तरह का होता है भले क्योंकि शराबी पति इसी तरह का पत्नी को टॉर्चर करते हैं और इसीलिए वीडियो हम बनाए हैं शराब पी के आते हैं और उनका तबीयत खराब हो क्या हो ना हाँ, मजबूरी नहीं समझते नहीं आता उनको कि हम अपने वाइफ को किस तरह चलाए नहीं चलाए अनसन ये तो वीडियो में उतना ज्यादा नहीं बोले हैं इसे कहीं ज्यादा गाली गलौज करते हैं मारते हैं पीटते हैं घर तहस नहस हो जाता है तो इसीलिए आज आप लोग को दिखाए वीडियो तो आप लोग को कैसे लगा उम्मीद के हम दोनों गोदने और हमारे पति तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं क्योंकि दोस्तों अक्सर जो है ना महिला सब जो है भाभी के पास आते हैं तो कई के मुंह से सुने हैं तो हम सोचे कि क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए नहीं भाभी बोले छा ना जे भी आवे छे कोई बैठे तोरा पास अक्सर घर में होते हैं अधिकतर घर लड़ाई होता है अक्सर घर में बट इस तरह का नहीं होता है आप जैसे हम दोनों में होता है लड़ाई हम दोनों का एक सोशल मीडिया के जरिए जो है आप लोगों को दिखा देते हैं आरती जी एक अच्छी बात है ताकि जो है मर्द सब जो है ऐसे गलत कदम ना उठाए मारपीट ना करे क्यों हम लोग में कोई बड़ा झगड़ा होता है होता है तो बहुत बड़ा नहीं तो कोई बड़ा सिर्फ पति का होता है बड़ा हाँ ना तो कोई बड़ा नहीं कहा जाए मतलब होता नहीं कितने कि किसी को पैसा नहीं देते हैं दुख तकलीफ देते हैं खाने पीने का तो उस वजह से लड़ाई होता है लेकिन हम लोग को उस नहीं तीसरे का बात लेके हम लोग तीसरे के बात लेकर के और हम लोग एक बच्चे के जैसे छोटे बच्चे में होता है छोटे बच्चे का दिमाग नहीं होता है कि इसका बात उसका पकड़ के झूठा झूठी कर देता फिर दोनों एक ही जगह रहता है उसी तरह हम लोग के होता हम लोग में होता हम लोग में ना खाना का दिक्कत नहीं कुछ पहनने का ना पैसे का ना कुछ भी चीज का दिक्कत नहीं है फिर भी हम सब में लड़ाई होता और अधिकतर घर परिवार में देखिएगा तो वही शराब पी के आते हैं अपना पत्नी को बेवजह मारते पीटते हैं ऊपर से खाना भी नहीं अच्छा से खा पाते हैं और ऊपर से खर्चा भी अच्छा से नहीं दे पाते वो भी सुने हैं इसीलिए वीडियो बनाए दोस्तों बुरा मत मानिएगा आप लोग है ना बुरा मानने वाले इसमें क्या बात है ना होता है ना कि बोलेंगे कि ये लोग कीजिएगा इनकी बात पता चलेगा हाँ, ये आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखिएगा तो सबको गलत फीलिंग होगी हाँ। पड़ेगा ना तो चलिए बने रहे।